हेलो एवरीबॉडी, एक फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। देखिए, बार बार मेरे पास ढेरों मैसेज आ चुके हैं जब से ये कॉमन कैटर ग्रुप डी की कॉल आनी शुरू हुई है डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस से। कुछ चीज़ें मैंने कल बता दी थी कि भाई तीन कमिश्नर के कल तो फ़ोन आ गए थे, तीन के आज आ गए लगभग। कल गुड़गांव का नहीं आया था, हिसार का नहीं आया था और रोहतक का नहीं आया था। आज लगभग शायद मैंने हिसार रोहतक का तो कन्फर्म नहीं किया है, गुड़गांव से आज कॉल जानी शुरू हो गई है। लेकिन अब बात है कि जी कॉल क्यों हो रही है, आपकी जो टेंशन बढ़ी उसका समाधान मैं ले आया हूँ और कंप्लीट बताऊंगा आपको क्या हो रहा है, क्या आगे होने वाला है। ठीक है, सुनो। सबसे पहली बात तो यह, अगर आप ग्रुप डी कॉमन कैडर के कर्मचारी हो या कोई भी कर्मचारी हो तो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर ज्वाइन कर लो। सारी चीज़ें मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, हर चीज़ की वीडियो नहीं बनाता, वीडियो बहुत कम बनाता हूँ, टेलीग्राम पर ज़्यादा शेयर करता हूँ आजकल मैं। तो जुड़ जाओ, छोटी छोटी बातें वहाँ पर मैं बताता रहूँगा क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या होने वाला है। दूसरा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर कोई वीडियो आएगी तो आपको अपडेट मिलती रहेगी और बेल आइकन प्रेस कर देना। अब आ जाओ जी, कॉल क्यों की जा रही है, क्या होगा, डिपार्टमेंट और पद कब मिलेंगे। सुनो, मैंने जो पता किया है उसमें यह पता चला है कि अभी आपने एक लिस्ट भी देखी होगी नूह डिस्ट्रिक्ट लिखा था, फरीदाबाद कमिश्नर ने उसको जारी किया था। उसमें यह लिखा था कि भाई आप सभी को अभी डीजी जो एचआरडी हैं उन्होंने आपको अपॉइंटमेंट दिए टेम्परेरी, लेकिन आपको विभाग और पद नहीं मिले हैं, इसलिए आपको टेम्परेरी बेसिस पे, जो वो लिस्ट में 75-74 नाम थे उनको टेम्परेरी बेसिस पे डीसी नुहू के अंडर डिप्लॉय किया गया है अगले आदेश तक। यानी कि अभी तक क्या था, अभी तक आप घर बैठे थे, आपकी ज्वाइनिंग तो 9 तारीख को 8 तारीख को हो चुकी थी अब मार्च में, लेकिन ये नहीं पता था कि क्या हो रहा है, ड्यूटी जानी है नहीं जानी क्या है। लेकिन अब उन बच्चों को डीसी नुहू को डिप्लॉय किया गया है अगले आदेश तक, अब वो वहाँ पे रिपोर्टिंग करेंगे, जो भी ड्यूटी है वो वहाँ करेंगे, लेकिन विभाग और पद नहीं मिले हैं। दूसरी बात, गुड़गांव में मैंने पता किया तो गुड़गांव में ये पता चला जो मेरे पास बच्चों के मैसेज आए, गुड़गांव में पता क्या हो रहा, गुड़गांव में सीधे ये पूछ रहे हैं कि भाई आपको गुड़गांव डीसी ऑफिस में ज्वाइन करना है नहीं करना है, यस और नो बताओ, ऐसा पूछ रहे सीधा सीधा। अब वो बच्चे सोच रहे कि यस करें तो क्या हमें गुड़गांव में ही नौकरी करनी है, यानी कोई बच्चा महेंद्रगढ़ का है, अब वो सोचे अगर यस कर दिया तो गुड़गांव में नौकरी दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मुझे मेरा मिलेगा, मुझे पोस्ट क्या मिलेगी, डिपार्टमेंट क्या मिलेगा। वो पूछते हैं तो वो डीसी ऑफिस वाले कह रहे हैं डिविजनल कमिश्नर वाले कि हमें कुछ नहीं पता, आप सिर्फ ये बताओ गुड़गांव डीसी ऑफिस में जाना है नहीं जाना है, यस और नो। तो उसका भाई ये पता चला है, अगर आपको ध्यान देना, ये टॉपिक यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपके पास कॉल आ रही है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप इस फलाने चाहे गुड़गांव हो चाहे अम्बाड़ा हो चाहे कोई भी, और आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपको इस डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करनी है या नहीं करनी है, अगर आपको नौकरी करनी है, एग्जाम्पल के लिए कोई महेंद्रगढ़ का बच्चा है, रेवाड़ी का बच्चा है, उससे ये पूछा कि आपको डीसी ऑफिस गुड़गांव में नौकरी करनी है, यस और नो। अगर आपको करनी है गुड़गांव में नौकरी तो आप यस करो, अगर आपको गुड़गांव में नौकरी नहीं करनी, आपको ये लगता नहीं मुझे तो होम डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए या नज़दीक का मिलना चाहिए मेरा, तो आप कह दो नहीं जी मुझे गुड़गांव डीसी ऑफिस में नौकरी नहीं करनी। लेकिन डिविजनल कमिश्नर से बाहर आपकी नौकरी नहीं जाएगी, ज़्यादातर को होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, समझ गए, यानी कि रेवाड़ी महेंद्रगढ़ और गुड़गांव तीन डिस्ट्रिक्ट आते हैं कमिश्नरी में, तो इनके जो तीनों डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं उनको इन्हीं तीनों डिस्ट्रिक्ट में नौकरी मिलेगी। जो बच्चा गुड़गांव डीसी ऑफिस के लिए यस करेगा उसको गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में नौकरी मिलेगी, लेकिन जब तक आपको विभाग और पद नहीं मिलते, जब तक आपको टेम्परेरी बेसिस पे डीसी ऑफिस गुड़गांव में जॉब करनी है, समझ गए, टेम्परेरी बेसिस पे, परमानेंट नहीं। उसके बाद आपको गुड़गांव ही डिस्ट्रिक्ट में आपको कोई और विभाग और पोस्टिंग मिलेगी बाद में, ठीक है। अब वो कैसे मिलेगी, वो अभी जो पहले मुझे पता चला था वो तो ये था कि प्रेफरेंस भरवाई जाएगी, लेकिन आज जो पता चला है वो ये है कि भाई ये कह रहे, अभी मैं इसके ऊपर मैं आपको कन्फर्म नहीं कह रहा हूँ कि 100% यही होगा, विभाग और पद के बारे में ये कहा है कि 2 से 3 दिन में 4 दिन में आपको विभाग और पद दे दिए जाएंगे डीसी की तरफ से, ऐसा सुनने में आया है केवल, नोट मैं इसकी गारंटी नहीं लेता, कभी कोई कहे किसी फर्जी खबर फैला दी, कोई फर्जी नहीं है, ऐसा सुनने में आया है कि ऐसा 3-4 दिन में आपको विभाग और पद दे दिए जाएंगे। अब वो आपसे प्रेफरेंस लेके देंगे या कैसे देंगे वो नहीं पता, ठीक है, गारंटी नहीं ले रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ। तो जिसको भी डिस्ट्रिक्ट जो आपसे पूछा जा रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग तरीके से कॉल हो रही है
किसी में तो ये पूछ रहे कहा है कि आप कल ऑफिस में आ जाओ अटेंडेंस भर दो। अब फरीदाबाद पलवल वालों को पता चला वहाँ पे प्रेफरेंस भरवा ली डिस्ट्रिक्ट, आपको किस डिस्ट्रिक्ट में जाना है उनसे भरवा ली। लेकिन गुड़गांव में फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि आपको डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव के डीसी ऑफिस में नौकरी करनी है कि नहीं करनी, यस और नो। अगर आपको करनी है, आपको सूटेबल है गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट, तो यस करो, अदरवाइज नो कर दो। जब आपको बाद में विभाग और पद मिलेंगे तो आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या नज़दीक का डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, लेकिन मिलेगा कौन सा, जो डिविजनल कमिश्नर के अंडर जो डिस्ट्रिक्ट आते उन्हीं में से मिलेगा, ठीक है। तो ये है कॉल का लफड़ा कि कॉल क्यों की जा रही है, क्या हो रहा है। लेकिन ये जो डीसी ऑफिस में नौकरी करने के लिए बात हो रही है ये टेम्परेरी बेसिस पे, अगले आदेश तक। अभी आगे से कोई आदेश आएगा उसके बाद पता चलेगा एक्चुअल में कि आपको विभाग और पद कैसे दिए जाएंगे। अभी ना इनको पता ना कुछ, और आगे से सिर्फ इतने आदेश थे कि कुछ दिनों के लिए इनको डीसी ऑफिस में डिप्लॉय कर दिया जाए। अलग अलग डीसी ऑफिस में भेजा जा रहा है, वो हर डिविजनल कमिश्नर की अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से है कि कहाँ पे कितने बच्चे लगे हैं, कहाँ पे कितनी ज़रूरत है, उस हिसाब से, ठीक है भाई। तो ये है इस कॉल का लेखा जोखा जो मैंने आपको बता दिया। अब आपकी मर्जी है, आप वहाँ पे यस करते हो नो करते हो। नो करने से अगर आप कहते हो मुझे डीसी ऑफिस गुड़गांव में नौकरी नहीं करनी या डीसी ऑफिस मुझे अंबाड़ा में नौकरी नहीं करनी, तो आपका कैंडिडेचर रद्द नहीं होगा। ये बहम मत करना कि हमारी तो नौकरी चली जाएगी, कुछ नहीं होगा, आपको उस डिस्ट्रिक्ट में कंसिडर नहीं किया जाएगा, बाकी जो बच्चे हैं आपको वहाँ पे अपने आप भेज देंगे वो, समझ गए। फाइनल निचोड़ ये है इसका। विभाग और पद के बारे में अभी पुख्ता जानकारी नहीं है, सिर्फ सुनने में आया है 3 से 4 दिन में आपको विभाग और पद उसी डिस्ट्रिक्ट में दे दिया जाएगा जो डीसी ऑफिस आपको आज मिलेगा या मिल गया होगा, ठीक है भाई। बाकी कोई जानकारी आएगी आगे तो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इतने मैसेज आ चुके हैं, बार बार फ़ोन कर रहे हो आप लोग, तो मैं रिक्वेस्ट है, मैंने जो बात बतानी थी वीडियो में जितनी पता चली थी वो आपको बता दी है, मैसेज और कॉल पर कोई अलग से बात नहीं बता पाऊँगा, ठीक है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। धन्यवाद। शेयर सब्सक्राइब लाइक जो करना है कर दो, टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, आगे की जानकारी आपको देता रहूँगा। थैंक यू।